सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेज। कल तक हमने हाइब्रिडाइजेशन का एक टॉपिक देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके बारे में सारा बता दिया था। आज मैं आगे का बता रहा हूं, इनके जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे शो होता है वो एग्जांपल्स मैं आज बता रहा हूं। तो मैंने ये आपको बताया था कल BeCl2 से लेकर IF7 तक, इनके सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आज हम यहाँ पर पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले एग्जांपल आता है वो आता है यहाँ पर BeCl2। तो BeCl2 जो है इसके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कैसे आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेरिलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर आपको बता कि 4 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2, ठीक है। और आगे जो इलेक्ट्रॉन है 2p जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 और 2 4 पूरे हो चुके हैं। तो ये इसकी होती है ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट के अंतर्गत क्या हो गया कि इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई 1, और फिर इस प्रकार से हो गई जिसके अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसकी आती है एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया कि इस अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी इन दो की ही है, न कि इसकी तो एनर्जी कम है, तो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉनों का ओवरलैपिंग कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन दिखाना है और इसका दिखाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप लगा के आगे चला जाएगा, जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप लगा के चला जाएगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 2 वैलेंसी होगी, 2 Cl जुड़ गए इसके ऊपर, 2 Cl जुड़ गए, तो 1 Cl यहाँ आ गया और दूसरा Cl यहाँ आ गया, 2 Cl आ गए। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, टोटल हो गए इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कि अब दिखाई दे रहा है इसके अंदर, एक तो s का और एक p का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी अपन ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री जो है वो मैंने आपको बताया था इसकी कि लीनियर ज्योमेट्री होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है जो कि रेखीय संरचना जिसको बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत इसकी स्ट्रक्चर आएगी BE, जिसके अंदर 2 Cl हैं, 1 Cl इधर आ गया, 1 Cl इधर आ गया, BeCl2। ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गई जिसमें बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल है, लीनियर इसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है कंपाउंड्स का, जिसमें अपन ने BeCl2 का देख लिया, बिल्कुल सिंपल सा है।